असुरराज, आप क्षण भर यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं महारानी कयाधु को आपके आने की सूचना दे दूं। देवी कयाधु, आप आ गए देवर्षि, मैं अकेली कब से घबरा रही थी। देवी कयाधु, अब न तो आप अकेली रहेंगी और न ही आपको घबराहट होगी, क्योंकि मैं अपने साथ आपके अकेलेपन और घबराहट दूर करने की सामग्री लाया हूँ। क्या? मैं आपके पति असुरराज हिरण्यकश्यपु को अपने साथ लाया हूँ। असुरराज, नारायण नारायण। महारानी कैसी हो? देवर्षि की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ महाराज। उन्होंने मुझे देवराज से छुड़ाकर यहाँ आश्रय दिया और मेरी ऐसी देखभाल की जो राजभवन में भी संभव नहीं थी। महारानी, देवराज इंद्र को अपने किए का फल मिल चुका है, किंतु देवर्षि नारद के उपकार को चुकाना मेरे लिए कभी संभव नहीं होगा। उन्होंने आपको और मेरी होने वाली संतान को बचाकर मुझे जीवन भर अपना आभारी बना लिया है, किंतु अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। चलिए राजभवन चलते हैं, हमारी संतान वहीं जन्म लेगी। महारानी। नहीं महाराज। क्यों? इस कुटिया में मुझे वह आनंद और स्नेह मिला है जो मुझे राजभवन में भी नहीं मिल सकता। यहाँ मैंने एक ऐसी सुरक्षा का अनुभव किया है जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पाई। हे महाराज, मेरी इच्छा है कि मेरी संतान का जन्म यही हो। ठीक है, आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कोई भी कार्य नहीं करना चाहता। महारानी, गर्भवती स्त्री को जहां भी आनंद मिले, संतान का जन्म वहीं होना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं ये समाचार देवर्षि को सुनाता हूं, आप निश्चिंत होकर विश्राम करें। भाई है। मुझे विष्णु और उसके भक्तों से अपार घृणा है। मैं ये भी जानता हूं कि आप इस सृष्टि में विष्णु के महानतम भक्त हैं, और मैं चाहते हुए भी आपसे घृणा नहीं कर पाता। आपने महारानी की रक्षा करके। बस बस असुरराज, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को इतनी बार कह चुके हैं कि मुझे तो कंठस्थ हो गई है। देवर्षि,
महारानी कायदू ने पुत्र के जन्म तक आपके आश्रम में रहने की इच्छा व्यक्त की है और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें यहां से ले जाना नहीं चाहता। नारायण नारायण, बड़ा शुभ विचार है। यदि महारानी कयादू को मेरी कुटिया में सुख मिलता है तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। असुरराज, आप चिंता न करें, मैं उनकी यथा योग्य सेवा करूंगा। मेरी कुटिया में बीतने वाला हर दिन आपकी आने वाली संतान का हर संकट दूर करेगा। तो फिर मुझे जाने की अनुमति दीजिए देवर्षि। हे नारायण, आपकी लीला भी अनुपम है। आपसे घृणा करने वाले को पता ही नहीं कि उसके अपने घर में आपका सबसे महान प्रेमी जन्म लेने वाला है। नारायण नारायण। भगवान हिरण्यकश्यपु की जय। 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 बधाई हो भगवान हिरण्यकश्यपु, इंद्रासन पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अब तो अप्सराएं आपके संकेत पर नृत्य करेंगी। समस्त देवगण नतमस्तक होकर आपको नमस्कार करेंगे। हाँ, मैं स्वरभानु हूं। विष्णु ने मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया था, पर वो मुझे मार नहीं सका क्योंकि मैं अमृत पान कर चुका था। मेरा कटा हुआ सिर राहु बनकर और कटा हुआ धड़ केतु बनकर आज भी जीवित है और सदैव जीवित रहेगा। मेरी सभा में तुम्हारा स्वागत है स्वरभानु। धन्यवाद भगवान हिरण्यकश्यपु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि बधाई भी। देवराज की तो वैसे कई बार पराजय हुई, पर उसकी जो पराजय आपके हाथों हुई है वो अपना कोई उदाहरण नहीं रखती है। ऐसी करारी पराजय तो दानवराज काल केतु भी उसे नहीं दे पाए थे। अब विलंब क्यों कर रहे हैं, विजय समारोह आरंभ कीजिए। इंद्रलोक की सुंदर अप्सराओं से कहिए आपके सामने बधाई नृत्य प्रस्तुत करें। आज तो हर्ष का दिन है, उल्लास का दिन है। अप्सराओं को सभागार में लाया जाए। देवलोक की अप्सराओं, तुम आज तक देवराज इंद्र के लिए नृत्य करती थी, किंतु आज से तुम भगवान हिरण्यकश्यपु के लिए नृत्य करोगी, क्योंकि यह सिंहासन अब मेरा हो चुका है और मेरा ही रहेगा। नृत्य प्रस्तुत करो, एक ऐसा सुंदर नृत्य जिसे देखकर मैं अपनी कठोर तपस्या की सारी थकान भूल जाऊं। नाचो नाचो। आ, 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 आ,
लक्ष्मी नारायण, मैंने कयाधु को अपनी पुत्री मानकर यथाशक्ति उसकी सेवा की है, किंतु अब वह जिस अवस्था में है, उस अवस्था में कोई भी पुरुष, चाहे वह उसका पिता ही क्यों न हो, उसके पास नहीं रह सकता। हे सर्वेश्वर, मुझे आपकी सहायता चाहिए। अब केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं सर्वेश्वर। योग माया, आप देवर्षि के आश्रम में जाइए। महारानी कयाधु प्रसव पीड़ा की अवस्था में आ गई हैं। उनकी देखभाल का कार्यभार मैं आपको सौंपता हूं। जो आज्ञा त्रिलोकीनाथ। देवर्षि। धन्य है देवी के आप आ गईं। मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। आप चिंता न करें देवर्षि, मैं सब संभाल लूंगी। प्रणाम भगवान। भगवान हिरण्यकश्यपु की जय हो। तुमको हमारे आनंद में विघ्न डालने का साहस कैसे हुआ? कौन है ये मानव और कौन है ये स्त्री? भगवान, ये अपराधी हैं। तो इन दुष्टों का अपराध सुनाया जाए। भगवान, हमने चारों ओर आपका यह आदेश पहुंचा दिया था कि आप कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। तो क्या इन्होंने विष्णु का नाम लिया? नहीं भगवान, इन्होंने तो उससे भी बड़ा पाप किया है। इन दोनों ने तो अपने इस नवजात पुत्र का नाम ही विष्णु रख दिया है। अपराध, जघन्य अपराध, कड़ा दंड मिलेगा इन्हें इस अपराध का, कड़ा दंड। सोचते क्या है भगवान, दो टुकड़े कर दीजिए इस शिशु के। जन्म लेते ही विष्णु का नाम पाने का इससे कम दंड क्या हो सकता है? विष्णु पुत्र समाप्ति का इससे बढ़कर शुभारंभ और क्या हो सकता है? नहीं। तुम्हारा सुझाव हमें सुंदर लगा स्वर भानु। इसे ऐसा आतंक फैलेगा जिसे विष्णु के नाम लेवा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। दो टुकड़े कर दो इस शिशु के शरीर के, दो टुकड़े कर दो। नहीं असुर राज, आप दो टुकड़े कर दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। मेरे बच्चे को कुछ मत। हे कमल नयन, क्या हो रहा है संसार में? शक्ति और सत्ता पाकर रक्त की प्यास इतनी क्यों बढ़ जाती है? अहंकार बुद्धि को कैसे भ्रष्ट कर देता है? निष्ठुरता मन में कैसे वास कर लेती है? देखिए ना, हिरण्यकशिपु ने एक छोटे से बालक के निर्दयता से केवल इसलिए टुकड़े टुकड़े कर दिए कि उसका नाम आपके नाम जैसा था। क्या किसी का नाम भी उसके वध का कारण बन सकता है? निस्संदेह ये क्रूरता है महादेवी, निस्संदेह ये क्रूरता है। ये केवल मानव पुत्र का नहीं, वरन सभ्यता का वध है।
पर हे महादेवी, स्मरण रखिए, जान लीजिए कि निर्दयता पतन का पहला चरण होती है और हिरण्यकश्यपु अपने पतन की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार दीपक की लौ बुझने से पहले भड़कती है, उसी प्रकार क्रूरता भी पतन से पहले पूरी शक्ति से उभर आती है। पर हे पद्मनाभ, कैसे होगा दुष्ट हिरण्यकश्यपु का विनाश? उसने तो निर्ममता की सीमा लांग ली है। हे महादेवी, जो सीमा लांघता है उसे तो ये ज्ञान ही नहीं होता कि सीमा के आगे कोई मार्ग ही नहीं है। निष्ठुरता की सीमा के आगे केवल पतन का द्वार खुला होता है। पर हे कमल नयन, अब कब होगा उसका पतन और कैसे होगा? महादेवी, हिरण्यकश्यपु की क्रूरता उसके विरुद्ध घृणा की ज्वाला भड़काएगी। उसके अत्याचार मानव को उसके विरुद्ध एक होकर खड़ा होने पर विवश कर देंगे। रक्त की ये धारा केवल धरती को ही नहीं, स्वयं उसके घर को भी डुबो देगी। हे महादेवी, वो मूर्ख क्या जाने कि उसकी मृत्यु की सामग्री तो राजभवन में आ चुकी है। जिस पुत्र प्रह्लाद को वो मेरा सबसे महान शत्रु बनाना चाहता है, वही प्रह्लाद उसके अहंकार का सर्वनाश कर देगा। जिस प्रकार समुद्र को यह ज्ञान नहीं होता महादेवी कि उसकी गहराइयों में ज्वार पल रहा है, उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु को भी यह ज्ञान नहीं है कि उसके ईश्वरत्व को ललकारने वाला स्वयं उसके राजभवन में जन्म ले चुका है। महादेवी, ये कथा बहुत रोचक है। महादेवी, ये कथा बहुत रोचक है और इसका हर मोड़ अधिक रुचिकर होगा। पर आप चिंता न कीजिए देवी, जब अत्याचार अपनी सीमा से आगे बढ़ जाता है तो निस्संदेह उसका अंत भी हो जाता है। बधाई हो महाराज, देव ऋषि नारद ने समाचार भेजा है कि महारानी कयाधु ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो भगवान हिरण्यकश्यपु, बधाई हो। शुभ समाचार है ये, शुभ समाचार। ये तो बहुत ही शुभ शकुन है भगवान। अभी अभी विष्णु नाम के बालक का वध हुआ और अभी अभी ये सूचना मिली है कि आपके पुत्र ने जन्म लिया है। तुम सत्य कहते हो स्वर भानु, शुभ शकुन है ये, शुभ शकुन। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा पुत्र विष्णु का मुझसे भी बड़ा शत्रु सिद्ध होगा। हे कमल नयन, अंधेरी रात्रि को उजाले का संदेश देने वाली सूर्य किरण से आपकी मुस्कान, ये पतझड़ के अंत और वसंत ऋतु के आगमन की घोषणा करने वाले सुगंधित समीर की भांति आपकी मधुर मुस्कान खुला संकेत कर रही है कि सृष्टि में अवश्य कोई ऐसी घटना घटी है जिसने आपके मन को प्रसन्न कर दिया है। अहो महादेवी, अहो, हमारा कोई ऐसा संकेत नहीं जिसका भेद आप जान न पाए। हाँ देवी, एक बहुत सुंदर, एक बहुत अनुपम घटना घटी है। वो बालक जिसकी रक्षा के लिए आप चिंतित थीं, वो बालक जो एक नया इतिहास रचने वाला है, जन्म ले चुका है, कयाधु माँ बन चुकी है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी कामना है कि कयाधु का ये पुत्र अत्यंत भाग्यशाली हो। वो भाग्यशाली होगा महादेवी, अत्यंत भाग्यशाली होगा। जिस प्रकार ध्रुव अपने दृढ़ निश्चय का इतिहास रच गया, उसी प्रकार ये बालक भी अपने दृढ़ विश्वास का इतिहास रचेगा, जिसे जन्म लेते ही देवर्षि नारद जैसे महान मार्गदर्शक की गोद मिल जाए। उसने तो नेत्र खोलते ही अपना मार्ग भी देख लिया और अपना लक्ष्य भी। हे त्रिलोकीनाथ, मुझे इस बालक के जन्म का हर्ष है, परंतु थोड़ी घबराहट भी हो रही है। घबराहट? घबराहट का क्या कारण महादेवी? उसका जन्म एक ऐसे राक्षसी प्रकृति के असुर के घर में हुआ है जो वास्तविकता जान लेने के उपरांत इस नन्हे बालक का बैरी बन जाएगा। ऐसे शक्तिशाली और अभिमानी का ये बालक सामना कैसे कर पाएगा? यही तो उसके दृढ़ विश्वास की परीक्षा होगी महादेवी। महादेवी, केवट का साहस शांत बहने वाली नदी में नौका खेने से सिद्ध नहीं होता। वो तो तब सिद्ध होता है जब केवट बिफरी हुई नदी के मझधार से नौका को सुरक्षित निकाल कर ले जाता है। एक दिए की क्षमता शांत वातावरण में जलते रहने से सिद्ध नहीं होती। वो तो तब सिद्ध होती है जब दिया अपनी लौ को आंधी में भी बुझने नहीं देता।
उसी प्रकार इस बालक का दृढ़ विश्वास भी तभी सिद्ध होगा जब वो महान शक्तियों और प्रतिकूल वातावरण में भी जमा रहेगा। मैं तो मन से चाहती हूँ कि कयाधु का ये पुत्र हर पग पर सफलता पाए। अब आपने उसे आशीर्वाद दे दिया है तब तो उसका विश्वास दृढ़ होना ही है। आयुष्मान भव पुत्र, अपनी माता के गर्भ में मुझसे जो कुछ भी सुना था सीखा था वह स्मरण है कि भूल गए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस बस पुत्र, मैं संतुष्ट हो गया। तुमने तो मेरा पूरा पाठ कंठस्थ कर लिया है। ध्यान रखना पुत्र, मैंने तुम्हें ईश्वर पर आस्था और विश्वास का मार्ग दिखाया है। यह विश्वास सृष्टि की महानतम शक्ति है। जो ईश्वर पर अडिग विश्वास रखता है वह पर्वत से टकराए तो पर्वत झुक जाए, समुद्र से मिले तो समुद्र शांत हो जाए। सूर्य चंद्रमा नक्षत्र मंडल जिसकी ओर भी दृष्टि डाले वही उसका दास हो जाए, सृष्टि का पूरा भेद ही उसकी मुट्ठी में आ जाए। कठिन को सरल और असंभव को संभव बनाना उसके बाएं हाथ का खेल होगा। पुत्र, इस मार्ग से कदापि नहीं हटना। लीजिए देवी, इसे इसकी माता के पास पहुंचा दीजिए। नारायण नारायण। देवर्षि, मेरा कार्य पूरा हो गया, मुझे विष्णुलोक लौटने की अनुमति दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं देवी कि आप आ गईं। आपने ऐसे समय पर मेरी सहायता की जब मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। जब से मैंने सुना है कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है मैं उसे देखने के लिए व्याकुल हूं। कैसा है मेरा पुत्र? स्वयं चलकर देख लीजिए। आइए। चलिए देवर्षि। कितना सुंदर है मेरा पुत्र, कितना प्रतिभावान लगता है। देवर्षि, इसके माथे से तो तेज की किरणें फूट रही हैं। कितनी मीठी है इसकी मुस्कान, उसकी आंखें
सूर्य और चंद्रमा की भांति चमक रही हैं। धन्यवाद महारानी, असुर वंश को इतना तेजस्वी पुत्र देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। देवर्षि, आज यदि मेरा पुत्र सुरक्षित है तो केवल आपकी कृपा के कारण। असुर राज, मेरी कृपा आपको इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया वो आपने देख लिया। आपके पुत्र पर तो धरती और आकाश से न जाने किस किस ने कृपा की है। आपने तो देख ही लिया कि इसके मुख पर कितना तेज है। देवर्षि, तीनों लोक में आपसे बड़ा ज्योतिष विद्या का ज्ञाता कोई नहीं। मेरी विनती है कि मेरे पुत्र का नामकरण आप ही करें। नारायण नारायण। असुर राज, आप पुत्र पाकर प्रसन्न हुए ना? प्रसन्न, अति प्रसन्न, हर्षित अति हर्षित। देवर्षि, तो जो अत्यंत प्रसन्नता देता है, असीम हर्ष प्रदान करता है, उसे प्रह्लाद कहते हैं। असुरराज, मैं आपके पुत्र का नाम प्रह्लाद रखता हूं क्योंकि ये आपके जीवन में प्रसन्नता और आह्लाद लेकर आया है। प्रह्लाद। देवर्षि, बहुत सुंदर नाम सोचा है आपने, प्रह्लाद, पुत्र प्रह्लाद। मेरा पुत्र प्रह्लाद भगवान हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रह्लाद। देवर्षि, मुझे लगता है कि मेरा पुत्र महानता में मुझसे भी आगे निकल जाएगा। हे असुरराज, मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि पहली बार आपके मुख से सत्य वचन निकला है। देवर्षि, मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं आपसे कहूं कि आप मुझसे कुछ मांगे, किंतु यदि कोई इच्छा हो तो अवश्य व्यक्त कीजिए। सत्य असुरराज? सत्य, परम सत्य। देवर्षि, आपकी किसी भी इच्छा की पूर्ति करके मुझे हर्ष होगा। मुझ जैसे सन्यासी की न तो कोई इच्छा होती है और न आवश्यकता, किंतु असुरराज, पुत्री कयाधु इतने दिनों तक मेरी इस कुटिया में रही कि पहली बार मुझे पुत्री मोह का अनुभव हुआ, और फिर आपके पुत्र प्रह्लाद ने जन्म लेकर मेरी इस कुटिया को अपनी मधुर किलकारियों से भर दिया। मेरी ये इच्छा है असुरराज कि ये दोनों कुछ और दिन मेरी ही कुटिया में रहें। आपने तो मेरे मन की बात कह दी देवर्षि। मेरी भी इच्छा थी कि मैं और मेरा पुत्र आप ही के साथ रहें। मुझे तो देवर्षि की कुटिया स्वर्ग के समान लगती है। देवर्षि, मैं आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए वचनबद्ध हूं। अपने पुत्र से दूर रहना मेरे लिए संभव नहीं, किंतु आपके उपकारों के आगे मैं नतमस्तक हूं। मैं पुत्र प्रह्लाद और महारानी को यही छोड़ जाऊंगा, पर आपको मुझे एक वचन देना होगा। कहिए असुरराज, क्या चाहते हैं आप? देवर्षि, मुझे विष्णु से घृणा है, अपार घृणा।
और आप विष्णु भक्ति के लिए विख्यात है। मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे पुत्र के सम्मुख विष्णु का नाम कभी नहीं लेंगे देवर्षि, कभी नहीं। मुझे वचन दीजिए। असुरराज, पुत्र कयादु और दोहित्र प्रहलाद के लिए मैं कुछ भी त्याग कर सकता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सब कुछ कहूंगा, किंतु आपके पुत्र के सम्मुख विष्णु शब्द का उच्चारण नहीं करूंगा। सुंदर, अति सुंदर देवर्षि, नारायण नारायण।